पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है, कप्तानी आने और जाने के बारे में नहीं सोचते और ना ये उनके हाथ में है। कराची में मीडिया से बात करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, पाकिस्तान के लिए इज्जत से खेलेंगे, मनफी बातें नहीं देखते और ना तरबियत ऐसी है कि ऐसी बातें लेकर आए। मेरे ख्याल से जो रेड बॉल क्रिकेट है वो आपकी असल क्रिकेट है। टी ट्वेंटी क्रिकेट, वनडे क्रिकेट बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है, बड़ी जल्दी हो रहा है, अभी तो टी टेन भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से जब आप रेड बॉल क्रिकेट करते हैं आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आती है। आई थिंक हर यंगस्टर को ये खेलना चाहिए और हमारे आजकल के बच्चे ज़्यादा फ़ोन पर बिजी हो गए हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये एक बीमारी है, इससे दूर रहें और आप जितना एक्टिविटी करें स्पोर्ट्स की किसी भी, उसमें सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप फुटबॉल खेलें, जो भी खेलें, लेकिन ये बच्चे हमारे फ्यूचर है और उसको सिक्योर करना। परफॉर्मेंस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये चीज़ें होती रहती है वक्त के साथ, वक्त एक जैसा नहीं होता और हमेशा आपको इसी में रहना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। और मेरी तरफ हमेशा यही हुई है कि टीम के लिए आप हमेशा फाइट करें और मैं फाइट करता रहूँगा, मैं नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखता और आई थिंक जब तक मैं खेलूँगा मैं प्राउड से खेलूँगा, ये पाकिस्तान के लिए करूँगा इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा बॉलिंग भी हो रही है रेड बॉल के साथ और होपफुल कि ये सीरीज हमारी टीम के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर की चीज़ें मैं नहीं सोचता क्योंकि फ्यूचर खुद ब खुद, अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, कैप्टनसी आना जाना ये ना मेरे हाथ में है, ना मैंने इसके लिए क्रिकेट खेली है, मैंने क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के लिए और मैं इज्जत से खेलूंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैचेस जिताऊंगा।